ये लेटर मुझे कबर्ड से मिला उसके। बहुत सारी बातें वो धीरे धीरे बताती थी, बच्ची थी ना, एज से बड़ा होने से तो हमेशा कुछ नहीं होता, मुझसे बड़ी थी, बट दिमाग से वो बहुत बच्ची थी। मैं सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये NC ओशिवारा थाने में जो वो पहले ही करा के गई थी, मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, बस ऑडियो भी है बट आपको सुना नहीं पाएंगे, वो इतनी गंदी है। ये उसके घर का एड्रेस है, चीज दिखा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी एक्शन नहीं लिया तो फायदा नहीं है इस इंडस्ट्री में काम करने का। मैं सब एक्टर्स को बोलूंगा कि आप लो लाइफ जी रहे हो, अगर आपकी कोई मदद करने नहीं आता इसके बाद, इस टॉर्चर के बाद, बेल्ट से मारना उसको, बक्कल निकाल के। ये उसने बोला, वो सेट पे गिरी थी आज से बहुत टाइम पहले, इंडिया फोरम्स पे आर्टिकल आया था, गगन ने उसको मारा था। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्योंकि मेरी बहन 5 फुट की और वो साला 5-10 फुट का, तो ये जायज है कि वो हाथ उठाएगा तो उसको लगेगी तो जरूर। उसके बाद उसका सर फाड़ा गया, वो डॉक्टर के गई, 3 दिन के बाद सर फाड़ा गया, चूड़ा पहना हुआ उसने। सर फाड़ने के बाद उसको स्टिचेस नहीं लगवाए गए ताकि पुलिस केस ना बन जाए। लोगों को बताती रही वो कि मेरे को, हमें नहीं बताया कि हम शायद कमजोर पड़ जाते और यहाँ आके एक्शन ले लेते कुछ। तो लोगों को चैट देती थी, लिखती थी उनको कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और ये गगन सेठी ने एक बार नहीं, कई बार लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। फिर बस कई ऐसी बातें हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं। आपको रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे, क्या लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं सोशल हैंडल्स पे कि आप लोग पहले कहाँ थे, अगर ऐसा था तो उन्होंने शादी क्यों की। कभी कभी क्या होता है, आदमी कमज़ोर इतना पड़ जाता है ना कि उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। बात करने के तरीके से पता चल जाता है। आपको बीट डालनी पड़ेगी सर। अब बोलते हैं तो मैं प्ले कर देता हूँ, चाहते हैं प्ले करूँ, काफी बीट डालनी पड़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप ये आपके लिए, आप रिपोर्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए किस लेवल का ये चीज हुई है यहाँ पे। अब सुशांत का जब केस हुआ था वहां पे कोई एविडेंस नहीं था, कोई गवाह नहीं था बोलने वाला, यहाँ पूरी दुनिया गवाह है। मेरा इंस्टाग्राम, मतलब मैं यूज नहीं करता था और आज मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है दिव्या के लिए। सब बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, दिव्या दीदी हमसे शेयर करती थी, उसके फैंस, उसके जितने भी लोग थे आसपास के, सिर्फ हमें नहीं पता कि हमें दर्द होता शायद। कोई बात नहीं, मैं शक्ति औरत, आज आप
चला कि शादी भी जबरदस्ती धमकी देके कि तेरे भाई को मरवा दूंगा तब शादी करी है उससे सिर्फ वेलफेयर काउंट करने के लिए। मैंने कई बार हेल्प करने की भी सोची, जैसे मैंने कई बार उसको फोन किया कि मैं दिव्या कहाँ है मैं आता हूँ, उसने इतना डरती थी उससे, उसने मुझे आज तक इतना क्लोज फ्रेंड था उसने आज तक मुझे अपना घर का एड्रेस नहीं बताया 2 साल से, ताकि मैं उसके घर पे आके उसकी हेल्प ना कर पाऊँ, इतना बदल से डरती थी। मम्मी पापा नहीं आ पाए तो चिंटू आ पाया घर पे, इतना डरा के रखा था उसने उसको। वो घर जो मैंने बनाया दिव्या को सेटल किया, मेरा बेटा मुंबई आया ऑफिस के काम से, गगन ने कह दिया वो घर में नहीं आएगा, मेरा बेटा 10 दिन होटल में ठहरा, दिव्या रोती रही, इससे होटल में मिलने जाती थी लेकिन उसने उसको घर में नहीं आने दिया गगन ने। मुझे कभी दिव्या ने ये सब नहीं बताया क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने देवक को बोल दिया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती और मैं सिर्फ गगन से एक बार ही मिली हूँ। और अगर उस दिन मुझे एक्चुअली पता होता ना कि गगन दिव्या के साथ क्या कर रहा है, मैं ना आगे देखती ना पीछे देखती, मैं सोचती भी नहीं कि उसका मैं क्या हाल कर देती। And this is to you,
गगन गबरू जो भी है बड़ा वाला तू समझ ले तू क्या है। जितनी भी तूने जिंदगी में तेरी माँ बहन तूने गालियां दी भी नहीं होगी ना वो सारी गालियां तू अपने लिए और अपने माँ के लिए एकदम संजोग के रख ले मेरी तरफ से। और जिस दिन तू मुझे दिख गया ना तो बॉम्बे तो आना मत कभी आना मत क्योंकि यहाँ पे आएगा तो जेल में ही जाएगा। अभी तू जहाँ पे भी भाग के गया है ना वहीं पे भाग के छुपा रहे। और क्या बोलते ना ऊपर की लाठी जब मार पड़ती है ना लाठी की आवाज नहीं होती है। तो मतलब दिल से अगर किसी को आज मैंने बद्दुआ दी है ना वो तुझे दी है। मतलब लिटरली बोलते ना कि कीड़े पड़ जाए मर जाए तो एक्चुअली तेरे साथ वही होगा। तेरे साथ भी होगा तेरे माँ के साथ भी वही होगा कि तुम लोग के बॉडी में ऐसे कीड़े पड़ेंगे ना कि कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। ऐसी मौत मरोगे तुम लोग ऐसी हालत होगी तुम लोग। तुम लोगों ने ऐसी एक लड़की को टॉर्चर किया है ना जो लड़की अपने दुश्मन को भी ना अगर बोले ना कि दिव्या मुझे एक रात के लिए खाना चाहिए सोने की जगह चाहिए वो वैसी लड़की थी। और तुम लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया है ना तुम लोग तो कभी खुश रहोगे ही नहीं। तुझे क्या चाहिए था पब्लिसिटी चाहिए थी तुझे आइडेंटिटी चाहिए थी तुझे बॉम्बे में काम चाहिए था। अब तू बॉम्बे में काम करके बता अब तू बता मुझे इंडस्ट्री में काम करके तू बता मुझे गबरू सिंह और तेरी माँ तुम लोग ने जितनी प्लानिंग की ना दिव्या को लेके अब तुम लोग बताओ। मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रही हूँ तुम आके बॉम्बे में काम करके मुझे बताओ। सो द थिंग इज ऑफकोर्स लीगली चीजें जाने के लिए वी नीड लीगल हेल्प। वहाँ पे आई नो ड्यू टू कोविड ये सब कुछ हुआ है बट जो शुरुआत दिव्या करके गई थी दिव्या को जब सब ने कहा तो उसने जाके एनसी करवा दी थी दैट मीन्स वो प्रिपेयर्ड हो रही थी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए। इस जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है इतने सालों में उसके अगेंस्ट वो जो स्टेप उठा के क्योंकि मैं भी जब दिव्या से मिली हम लोग बीच में बात नहीं कर रहे थे काफी साल बात नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली। क्योंकि जब दिव्या के लाइफ में ये आदमी आया था तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एक रेपिस्ट है उसके ऊपर एक रेप केस चल रहा है जिसके लिए लास्ट ईयर भी वो जेल जाके आया है 10 साल की सजा हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिव्या एंड बिकॉज ऑफ हिज सम क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे थे इंडस्ट्री में उनके आई गेस रिटन नोटिफिकेशन की वजह से लेटर के वजह से उसको बेल मिल गई है उस टाइम पे। बट तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या दिस इज नॉट राइट एंड यू आर नॉट डूइंग राइट। और उसके वजह से वो अपने पूरे घर वालों के अगेंस्ट हो गई थी जबकि मैंने और मेरे और ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा है कि आंटी अंकल ने एक्चुअली दिव्या के लिए क्या किया है। वो मतलब इवन आई डू हैव माई मॉम राइट बट ऑनेस्टली आई कुड से मेरी मॉम सब कुछ छोड़ा के मेरे साथ यहाँ पे जिंदगी भर नहीं रह सकती है अपना काम छोड़ के वहाँ पे भाई है। बट आई हैव सीन देम कि वो कैसे पूरा दिल्ली का घर काम सब छोड़ के दिव्या के लिए यहाँ पे आके रहते थे लिटरली। और जब गगन के वजह से दिव्या वॉज द वन जिन्होंने आंटी और अंकल को घर से निकाल दिया था इट वॉज बिकॉज ऑफ गगन। तो उसके बाद मैंने दिव्या से अपना रिश्ता तोड़ दिया था एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ गगन दिव्या भी बाकी और भी जितने फ्रेंड्स थे सबसे अलग अलग हो गई थी। फिर भी मुझे याद है लास्ट एक दो बार मैंने दिव्या को बोला भी कि दिव्या तू आ जाना मेरे घर आ विल टॉक बट टिल देन टाइम आई फेल्ट दैट शी इज़ हैप्पी यू नो इतने साल हो गए मैंने कहा सब कुछ अच्छा ही होगा। सो बट 2-3 बार वो आई नहीं आऊँगी बोल के तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा मे बी आई वॉज रॉन्ग द गाई इज गुड और सब कुछ ठीक है अगर शादी कर लिए देन इट इज़ फाइन। वरना तो मुझे पहले दिन से पता था एक नंबर का लुच्छा लफंगा है उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए वो आया है बॉम्बे। ये मुझे पहले डे वन से जब से वो फ़ोन पे बात करती थी मुझे तब से पता था बट उसने किसी की सुनी नहीं उस टाइम पे। एंड देन सडनली अभी 2 महीने पहले जब मैं उससे मिली मैं खुद गई उसके घर गई मिलने के लिए एंड गगन वॉज ऑल्सो देयर। तो वो अंदर ही रहता था बैठा रहता था ना दिव्या से कोई लेना देना ना बात करता था। मैं ना लाइक दिव्या को मैंने पूछा सब ठीक है ना क्या हो गया देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ बट
ये मारपीट वाली चैप्टर तभी भी उसने मुझे नहीं बताई। देन फिर उसने मुझे बोला कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, उसको डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा, बट शी प्रिटेंडेड एज इफ लाइक शी इज वेरी स्ट्रांग नाउ। और दोस्त ने मुझे बोला कि देवो तू जैसा मुझे चाहती थी ना मैं बन जाऊँ, मैं वैसे ही बन गई हूँ। अभी हम सोलो ट्रिप्स करेंगे, हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, इनके पीछे अभी हम रोएंगे नहीं। मैंने कहा ओके वेरी गुड। कुछ दिन के बाद गगन चला गया देहरादून, जहाँ पे भी घर है। अभी देहरादून गया है, कहाँ गया मुझे नहीं पता। वो दिव्या को बोल के गया कि वो जा रहा है, उसके पहले भी बीच में उसकी मारपीट वगैरह हुई है। तो मैंने दिव्या को तभी बोला कि दिव्या तू NC करवा दे, तू कंप्लेन क्यों नहीं करती, FIR क्यों नहीं करती है। शी वॉज लाइक मैं करूँगी। तभी उसको बीच में गगन की जो गर्लफ्रेंड्स हैं, सो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो गर्ल्स, बी केयरफुल। अगर आपको दूसरी दिव्या तीसरी दिव्या बनना है, शौक से बनिए, बट अगर आपको ये एडवाइस लग रहा है कि सही है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, तो आप लोग पहले से ही अभी एक एक FIR करके उसके नाम पे रख दीजिए। सो उसके बाद दिव्या को मैं बीच में मिली तो उसने बोला मैंने NC करवा दी है। वेरी गुड, क्योंकि वो बीच में करवा चौथ के दिन आया था, तो उस दिन भी मारपीट करके गया है करवा चौथ के दिन। और बीच में तो वो उसका गोल्ड वोल्ड ये सब लेके तो भाग ही चुका था। फिर उस दिन मार के गया, उसके बाद उसने NC करवाया, उसके बाद शायद वो आया नहीं कैसे करने के लिए, या तो फिर बीच में आया भी होगा तो मुझे पता नहीं। बट लास्ट अभी जब मैं उससे मिलने गई थी तब उसके पैरों में मैंने बड़े बड़े निशान देखे। मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से लग गया। तब भी उस लड़की ने मुझे एक बार नहीं बोला कि ये गगन ने मारा है करके, उसने मुझे बोला कि लाइट शूट पे लग गया, बट आई अंडरस्टूड कि गगन ने मारा है। उसके बाद जब मैं घर पे आई देन शी टोल्ड मी कि करवा चौथ के दिन वो आया था और उस दिन मुझे मार के गया। सो दिव्या माई जो मुझे लग रहा है शी इज अ वेरी सॉफ्ट एंड प्योर सोल, मतलब वो बस अपने पॉइंट को कहीं ना कहीं, बिकॉज शी नोज कि पूरी दुनिया ने उसको समझाया था और वो अकेले उस इंसान के साथ खड़ी थी। अगर उस टाइम पे दिव्या उस कमीने के साथ खड़ी नहीं होती ना, तो अभी तक वो जेल पे सड़ रहा होता। सो बिकॉज ऑफ दिव्या आज वो बाहर घूम रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हिम आज दिव्या हमारे पास नहीं है। सो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का जो मार होता है लाठी का, उसका आवाज़ नहीं होता है, तो उसके साथ वही होगा। बट स्टिल जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है, हम अगर हमें लीगली हेल्प नहीं मिलेगी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए, देन यू नो जो जस्टिस सिस्टम है ना, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सो ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो अगर उसके, अभी हम ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग खुद से बना के या कुछ, एवरी एविडेंस वी हैव, एवरी प्रूफ वी हैव, यू नो एवरीथिंग वी हैव, अगर आप फिर भी एक FIR दर्ज नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना, जिस प्रॉब्लम के वजह से मे भी कोई हिम्मत नहीं करता होगा। ये शायद बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो ऐसे सफ़र कर रहे हैं और हिम्मत कर नहीं पाते, क्योंकि जब हिम्मत करते हैं ना तो सामने वाला कोई मदद ही नहीं करता। पहले तो जो दोस्त करते रहेंगे, 100 में से 90 तो पीछे ऐसे ही हट जाएंगे कि भाई दूसरों का पछड़ा है, हमें क्यों पढ़ना है। अरे भाई जब दूसरे का पछड़ा है तो तुम आए क्यों दोस्त के नाम पे, पहली बात। सेकंड चीज़, अगर लीगली हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई कैसे हिम्मत करेगा कि किसी के उनके साथ हो जो हो रहा है टॉर्चर या जो भी गलत चीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, जब सामने वाला हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक नॉर्मल सिटीजन कहाँ जाएगा, लीगल हेल्प के लिए जाएगा ना कि भाई मेरी मदद करो। पर सामने वाला ही अगर बोल देगा कि नहीं ऐसा है वैसा है वो है, अरे यू आर हियर टू हेल्प द नॉर्मल इंडियन सिटीजन राइट, सो आप हेल्प करो ना, कैसे कर सकते हो, कोई भी तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा ना। वी हैव ऑल द एविडेंसेस, वी हैव ऑल द प्रूफ्स, उसके बावजूद भी अगर आप हेल्प नहीं करते हैं तो लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही सहते रहेंगे। वी हैव वीटनेसेस, और क्या चाहिए आपको, एन नंबर ऑफ वीटनेसेस, लाइक यू कांट इवन काउंट। सो यू गाइस इवन कांट इमेजिन कि उसके साथ क्या हुआ है। आई नो दिस इज ड्यू टू कोविड, बट अपार्ट फ्रॉम इट द मेंटल स्ट्रेस, द फिजिकल अब्यूज,
एवरीथिंग जो भी वो गई है, गो थ्रू उसने किया है, इट इज यू कांट इवन इमेजिन इट. आई लाइक से कि प्लीज सपोर्ट कीजिए, एंड जितने भी लड़कियां हैं या जितने भी लोग ऐसे इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए. अगर टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे देन फिर से ऐसे ही होता ही रहेगा. ऐसा होता ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू.